मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। ये लो, जाने दिया। फास्ट the Mojo Mouse. Welcome back to my channel, and in today's video we have Ketan Kava with us. Hello. Hi. Hello. How are you? Kaise ho? Thank you. Yes. So Ketan, aapke bahut sare fans ne request ki aur isiliye maine aapko phone kiya. So thank you so much. ye meri normal voice hai. Kaise? Agar ye wali bhi meri normal voice ho sakti hai. कैसे हो मजे में? ये वाली वॉइस भी मेरी वॉइस हो सकती है। वाओ, मेरा नाम केतन है और मैं डबिंग करता हूँ। अगर डॉगी बड़ा जाता है तो छोटा पपी होता है। मैंने नोट किया है, मैं मतलब ऐसे करता हूँ, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो मैं नोट करता हूँ, तो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे आवाज निकालते हैं जैसे कुछ इस टाइप की वॉइस निकालते हैं। पिकॉक अगर किसी ने सुना तो मतलब वो कुछ अलग टाइप का ही होता है, जैसे मंकी साउंड्स। अभी जैसे कि एक शो चल रहा है लिटिल सिंघम, तो लिटिल सिंघम इंग्लिश में भी हो रहा है। तो इंग्लिश में एक कैरेक्टर है जो सिंघम बन जाता है, तो उसके साथ एक कैरेक्टर आता है चिकी। चिकी, यस। तो चिकी की वॉइस मैं करता हूँ, तो उसके कुछ बोलता है नहीं, तो उसके रिएक्शन होता है जैसे कि कुछ इस टाइप का। मुकेश खावा, उन्होंने इस चीज मतलब फैमिली में इस चीज को लाया, प्लस डबिंग का डी हमको उन्होंने सिखाया। तो उनके थ्रू मैं छोटा तब गुजराती सीरियल्स करते थे, वो खुद डबिंग करवाते थे ट्रांसलेट करके, तो मैं वैसे करता था, वैसे मैंने शुरुआत की। कितने साल के थे आप जब शुरू किए? मैं कुछ रहूंगा 10-11 साल का रहूंगा मैं। और अब कितने साल के? अब मैं 22 साल का हूँ। 10 साल से क्यों शुरू किया, मतलब 12 साल हो चुके आपको? हाँ, लेकिन मैं वैसे नहीं गिनता, मैं गिनता हूँ जैसे कि वो तो खुद का ही प्रोडक्शन हाउस चाचा करवाते थे, मैं चाचा के साथ, तो वो कंफर्टेबल जोन था। लेकिन फिर मैं जब बाहर जाके मैंने शुरुआत की, वो मैंने 2011 से की के डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में किया, और जो कि प्रॉपर हिंदी में शुरुआत कर दी है ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो मैंने 2011 से की। अच्छा, उससे पहले छोटे मोटे और गुजराती? हाँ, तो मतलब जी गुजराती और ईटीवी गुजराती आता है, तो उसपे माइथोलॉजिकल शोज काफी करवाने चाचा ने, तो वो हिंदी टू गुजराती करवाते थे, और मेरे एज के हिसाब से वो वॉइस के हिसाब से तब मैं उसमें वॉइस देता था। अच्छा, उस हिसाब से फिर वॉइस बढ़ती गई, तो उस हिसाब से कैरेक्टर्स बदलते गए। अरे वाह, तो आप मतलब स्कूल और कॉलेज में तो बहुत फेमस हो गए। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल में भी कई बार हाफ डे लेके मैं घर चला जाता था, क्योंकि डबिंग होता था, तो स्कूल सपोर्ट करती थी, वो एक अच्छी बात थी। कॉलेज में भी ऐसे ही हुआ था। मैं आपसे ये एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कॉलेज शुरुआत की, तभी इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन के वक्त कैसा हुआ कि नाम बताना है, क्यों करना है, मैं BMM कर रहा था तो क्यों करना है वो सब बताना, और उसी बातों और वही सिलसिले में उन्होंने सर ने ये टैटू देख लिया कि मैंने ब्लेस्ड टैटू बनवाया, तो वो उन्होंने देख लिया, तो वो कहते हैं हाउ आर यू ब्लेस्ड, टेल मी हाउ। तो मैंने बोला कि सर आई एम डूइंग दिस डबिंग थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कैन मॉड्यूलेट माय वॉइस इनटू वेरियस साउंड्स। तो
वो कहते हैं कि वाह क्या बात है, तो पांच आवाज सुनाओ। और मैंने कहा कि अभी ठीक है चलो आपको पांच आवाज सुनाता हूँ। तो पूरे क्लास में पूरा क्लास भरा हुआ है और मैं पांच आवाज सुना रहा हूँ। तो मैंने पांच आवाज सुनाई और उनके बाद मतलब उसके बाद और दो आवाज एक्स्ट्रा दे दी कि जो कि ये लो पांच के साथ दो फ्री फ्री फ्री। तो मैंने एक पैरट की वॉइस दे दी और डॉगी के बार्किंग साउंड दे दी। तो उसमें सब लोग खुश हो गए कि मतलब ये तो अभी ये कैसे कर लिया, चलो आवाज बदल लिया वो तो एक्सेप्टेड था लेकिन ये कैसे कर लिया, तो सब लोग शॉक हो गए। प्लस सबसे मजेदार बात ये थी जो मैंने नोट की थी, पता नहीं किसी ने नोट की नहीं, मैंने जो डॉगी का वॉइस निकाला तो मुझे वापस रिप्लाई मिला कहीं बाहर से। तो वो होता है डॉगी कहता ये मेरा ही है, इसमें और कौन सा डॉगी आ गया, तो वो एक मजेदार बात हुई थी। अच्छा आपके एनिमेशन सबसे फेमस शोज है टीन टाइटंस को और बेब्लेड। परमन भी है जो अभी जैसे मैंने हाँ अभी आपको मंकी की वॉइस सुनाई, तो परमन में भी एक मंकी है जो उनकी सुपर हीरो टीम में है लेकिन वो वैसी ज्यादा आवाज एकदम खराश वाली नहीं निकालता, वो वो वैसे कुछ बोलता है। क्यूट। टीन टाइटंस गो का रॉबिन, टीन टाइटंस गो का रॉबिन है कि देखो जैसे ये मेरी वॉइस है, मेरी नॉर्मल वॉइस में थोड़ा सा बेस है, तो उसमें से थोड़ा सा बेस निकाल के हरमानी, जैसे कि हैरी पॉटर में हरमाइनी होती है वैसे इसके साथ है स्टारफायर। तो स्टारफायर मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, टाइटंस गो। वो मेरा गेस तो कहता है कि शायद हम सबसे पहले सुपर हीरोज थे। तो वो एक एनर्जी अलग है उसका हमेशा, मतलब वो आप शो देखेंगे तो मतलब इतना एनर्जी है उस कैरेक्टर में। बहुत मजा आता है, मेरा फेवरेट शो है, एकदम फेवरेट शो। और बेब्लेड तो बहुत सारे फैंस हैं बेब्लेड, बहुत सारे फैंस। और ऐसा है कि मैं जब छोटा था तब मैं भी देखता था और वो वापस रीडब हुआ था हंगामा चैनल के लिए। तो वो रीडब होके उसमें काय का जो कैरेक्टर था वो नॉर्मल टाइप का ही था कि मतलब कुछ चेंज नहीं किया था उसके कैरेक्टर में, लेकिन जब हंगामा पे आया और ये वापस रीडब हो रहा था तो चैनल से ही आया था कि इसको थोड़ा सा बम्बई स्टाइल दे दो। अच्छा। और उसको थोड़ा सा गंभीर बना दो और बम्बईया स्टाइल दे दो। तो वो उसके वो सोचा नहीं था कि वो उसके कैरेक्टर पे जाएगा कि नहीं जाएगा कैसा। हाँ, हाँ। लेकिन फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैं अप्रूव हो गया। तो वो एकदम एकदम सीरियस टाइप का और अपन ही जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये बेब्लेड बैटल में जीत के ही जाऊंगा। और बेब्लेड खोल दिया और जीत गया। अपन ने कहा नहीं शुक्रिया, और वैसे भी अपन तुम जैसे लोगों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं रखता। अरे वाह। अच्छा केतन, पहले के जमाने में ये होता था कि वॉइस आर्टिस्ट जो होते थे वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। सही बात है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की हेल्प से जैसे ये हम वीडियो बना रहे हैं, लोग आपको आपके फैंस हैं आज, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या वॉइस आर्टिस्ट को सामने आना चाहिए? बिल्कुल 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 आना चाहिए, क्योंकि हम वॉइस आर्टिस्ट मतलब हम ये पर्दे के पीछे की बात है कि हम वॉइसिंग करते हैं, तो हम लोगों के आसपास घूमते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि अरे हम अलग अलग आवाज निकाल के उनके बच्चे और वो भी देख रहे होते हैं। हाँ, लोग ऑलमोस्ट हर रोज हमारी आवाजें सुन रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे। हाँ, मतलब ये कौन था? ऐसा हुआ है कि किसी ने पहचाना हो कि अरे आपकी आवाज मैंने कहीं सुनी है, ऐसा हुआ है कभी? एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे फ्रेंड से, मैं बहुत प्रैंक्स वैंक करते रहता हूँ, मतलब अगर मैंने नया नंबर ले लिया तो फिर तो बैन बन गई लोगों की, फ्रेंड्स को मैं बहुत करता हूँ, हेलो मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपका आपको इधर आना पड़ेगा, तो वो टेंशन में रहते हैं पुलिस स्टेशन। तो हाँ पहचानने में ऐसा हुआ था कि मैंने एक फ्रेंड से बात की थी और उस फ्रेंड ने मतलब मुझे बोला था कि अरे आपकी आवाज कहीं तो सुनी सुनी सी लग रही है, तो कहाँ सुनी है? और ऐसा हुआ था कि कुछ ये जो आवाज की टोन थी ना वो मुझे बता रही थी कि वो फ्रेंड एक लड़की थी, क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ तो उन्होंने मतलब कैसे पहचान लिया, पहचान लिया उन्होंने, और फिर बोलते कि आपकी आवाज कहीं तो सुनी सुनी सी लगती है। तब मैंने उनको बताया कि हाँ मैं डबिंग करता हूँ, तो मैं अपनी आवाज देता हूँ फिल्म्स में, सीरियल्स में, एनिमेशंस में, तो हो सकता है आपने सुनी होगी। तो फिर वैसे फिर बातें आगे बढ़ी तो मैंने अपने रोल्स के बारे में बताया कि मैंने ये किया हुआ,
तो उन्होंने बोला अरे हाँ इसमें इसमें सुनी थी मैंने तो अच्छा लगता है, ये रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि एक अमेजिंग फील है ये, सबसे बेस्ट फील है मुझे तो लगता है, क्योंकि हम रोज डबिंग करते हैं, रोज में हम मतलब एनिमेशन है, फिल्म है, सीरियल है, एडवर्टीजमेंट है, सब करते हैं और सब कुछ अलग है। अब अगर एक एपिसोड कर रहे हैं और प्लस हर एक कैरेक्टर अलग है, एक एपिसोड कर रहे हैं तो एक एपिसोड में कैसे वही एपिसोड वापस नहीं कर रहे, तो हर एक दिन चैलेंज है, मजा आता है वो चैलेंज करने में। अच्छा तो केतन, आपके अभी तक के करियर में, क्योंकि यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, तो अभी तक सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा रहा है, या मे बी वो कैरेक्टर जब आपको मिला हो, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हमें हर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना पड़ता है जी, तो जब आपको मिला हो तो आप यू वर ऑन क्लाउड 9 एंड ऐसा कुछ कभी हो? जी हाँ हुआ है, एक फिल्म जो कि हैरी पॉटर की राइटर है जेके रावलिंग, उन्होंने लिखी है, लेकिन हैरी पॉटर की भी प्रीक्वल है जो है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। ओह यस, मैंने भी उसमें काम किया है। क्या बात है, तो उसमें एक कैरेक्टर था जो बहुत मायूस रहता था और एकदम सीरियस टाइप का, एंड में पता चलता वही विलन है। पर मैं नहीं करना चाहता मिस्टर ग्रीव्स, मुझे भी नहीं पता था एंड में वही विलन, शायद उसकी बहन का ही कैरेक्टर किया था, छोटी सी बहन जो थी, वो छोटी बहन मेरी मम्मा तेरी मम्मा टाइम कभी ना होए टाइम नंबर एक, ये हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हमें याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो क्रेडेंस नाम था वो कैरेक्टर का, और एकदम जो ठहराव था उसकी वॉइस से लेकर उसके परफॉर्मेंस में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो चैलेंजिंग लगा था, कि नॉर्मली हम एनिमेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी वो सब करते हैं और लाइव शोज में जितना हो सके उतना रियल परफॉर्म करते हैं, ये इसमें ठहराव के साथ जो वो बताया एकदम एकदम सटल करना, उसके साथ भी परफॉर्म करना है, वो बहुत अच्छा लगा था करना। वो तो, ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और अब आपको बोला गया परफॉर्म करो, वही चीज हो गई थी, पर बहुत मजा आ गया था उस में करने। और फिर वो फिल्म देखी हमने और थिएटर में जो साउंड कर रहा था वो भी काफी अच्छा साउंड किया उसके लिए, फिर लोग कह रहे थे अच्छा किया, तो वो अच्छा लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीवी शोज में भी डबिंग होती है। होती ही हाँ, अभी जैसे आपने टीवी शोज की बात की तो टीवी पे आने वाली एड की भी याद करते हैं, तो एक माइक्रोमैक्स की एड थी जिसमें मैं ऐसे करके हंसा था, जो आईपीएल में काफी चला था, तो उसके लिए मुझे आया था कि भाई थोड़ा इरिटेटिंग साउंड करना चाहिए और साथ में फनी भी साउंड करना चाहिए, तो वो मैंने वैसे किया था। इन सर को अभी अभी पता चला है कि इनके नए फोन पे अनलिमिटेड कॉलिंग है। और सीरियल पे आता है, तो सीरियल पे जी हाँ मतलब शोज हैं जैसे कि लाइफ ओके पे डीओ के देव महादेव आता, तो आई एम द वॉइस ऑफ गणेश गणपति बप्पा मोरया। जब आपने स्वीकृति दे ही दी है तो मुझे भी प्रजापति विश्व रूप का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार। और एक और शो था महाभारत नाम का जो स्टार प्लस पे था, उसमें यंग युधिष्ठिर की वॉइस मैंने की थी। क्षमा पितामह, भीम ने भी दुर्योधन का प्रतिकार किया था। अरे वाह, और आपने मेरी वीडियोस देखी होगी। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ टंग ट्विस्टर। यस, तो आई एम रेडी। बिल्कुल, आपको पता होगा कि आपको वो अपनी आवाज में नहीं बोलना, किसी और आवाज। दादाजी भी तैयार है। ठीक है, तो फिर नाम दादाजी। दादाजी आपके लिए टंग ट्विस्टर है, she sells seashells at the seashore. अरे बेटा, हम तो बचपन में काफी करते थे seashells, seashore. दादाजी हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि अगर टंग ट्विस्टर ज्यादा ट्विस्ट करता है तो दादाजी को लिबर्टी है। Oh my God, such a hasmukh दादाजी। The seashells, seashore, she sells. अच्छा अच्छा, okay. उम्र हो गई है दादाजी की, देखो क्या करवा रही है सुनील जी उनसे। अच्छा नेक्स्ट, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये छोटा सा बेबी करता है कि पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। नेक्स्ट हम आपको थोड़ा सिंपल सा देते हैं, द वेरी फेमस खड़े सिंह की खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है, खिड़कियां खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है, खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
ये एक प्रैक्टिस है कह सकते हैं, क्योंकि मैं हम सबकी वॉइस में मतलब एक ऐसा होता है कि अगर हम जोर से चिल्लाते हैं, लोग कहते हैं मैंने चिल्लाया फिर आवाज फट गई है, बैठ गई, तो वो एक दायरा होता है कि इतना दायरा, तो मैंने वो पहचान लिया है खुद के ही आवाज में, खुद को एक्सप्लोर करके कि ये इतना एक बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाहर अगर जाएंगे तो भाई गले को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर व्यूअर्स में से कोई लोग हैं जो ये ट्राई करना चाहते हैं या जो अलग अलग वॉइसेस निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि देखो मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि अलग अलग आवाजें निकालता हूँ, मैं सोचता हूँ सब निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वॉइस को पहचानना है, हमारे पास वॉइस है, हम वॉइस को अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो होता ही है। मैं जो ये अगर मतलब देखने जाए कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी वॉइस मैं इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब जैसे अभी हर एक चीज साउंड है, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुनाई दे रहे हैं, तो हर एक चीज की आवाज हो ही सकती है, हम निकाल ही सकते हैं, और पर दिमाग में ये रखना है ये मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कॉपी करना है, कॉपी करना एक तरह से, पर हम जब आप निकालोगे तो वो आपका वर्जन बन जाएगा, कॉपी करेंगे लेकिन आपका वर्जन बन, तो वो एक अलग चीज है, तो करना चाहिए, हर एक चीज करना चाहिए, बस पीछे पड़ जाओ फिर आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो बस एक आपके स्टाइल में, आपके अंदाज में आपके फैंस से गुजारिश की इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो मेरे फैंस हम चाहते हैं कि सोनल जी सोनल जी की ये चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब जगह हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो पर्दे के पीछे लोग हैं वो पर्दे के सामने दिखेंगे आपको, आप जो लोगों को पसंद करते हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा और आप लोग उनको देख पाएंगे। बिल्कुल, और अगर और भी वॉइस आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, अब तक तो पता चल ही गया होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किसके बारे में जानना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन्हें अपने चैनल पर बुला सकूं, जैसे कि आज हमारे पास आए केतन जी, कावा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। बहुत क्वेश्चन क्या था? पीला पतीला है, पपीता पीला पीला। और कुछ बाकी है? और कुछ चलो मेंशन करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद